सब्सक्राइब कीजिए खिजर स्टूडियो को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि टेक्निकल गुरुजी, जिनका चैनल यानी कि एक दिन पहले YouTube की तरफ से यानी कि टर्मिनेट कर दिया गया था, यानी कि डिलीट कर दिया गया था, तो उसकी वजह क्या थी, वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तो जाने इस वीडियो में। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपको वीडियो की समझ आ सके। दोस्तों, आप सब लोग ये जानते होंगे कि टेक्निकल गुरुजी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े टैग चैनल चला रहे हैं पूरी दुनिया में। उनका चैनल दूसरे नंबर पे है टैग के हिसाब से, जो ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि उनका चैनल यानी कि एक दिन पहले यानी कि टर्मिनेट हो गया था, यानी कि सस्पेंड हो गया था, एक किस्म का यानी कि यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया था। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने कोई कॉपीराइट चीज़ यूज़ की, उन्होंने कोई ऐसा क्लेम उन पर आ गया कि YouTube वालों ने उनका चैनल सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर थे, उनका मुझे नाम से नहीं पता, लेकिन विंद्रा एस कोई इस टाइप का नेम था, तो उनका चैनल भी इस तरह टर्मिनेट हो गया था। तो उनका चैनल भी लोगों ने ये बोला कि यार इस पर कोई कॉपीराइट आ गया, इस पर कॉपीराइट कुछ स्ट्राइक आ गई है, तो उनका चैनल सस्पेंड हो गया था। लेकिन उनका चैनल दो या तीन दिन पहले वापस यानी कि दो तीन दिन बाद वापस आ गया था। तो इस तरह यू टेक्निकल गुरुजी का चैनल भी यानी कि वापस आ गया है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं यानी कि चैनल वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने उनके चैनल पर ना वो कॉपीराइट स्ट्राइक थी ना कुछ इस तरह क्लेम थे, क्योंकि उनका सारा कंटेंट अपना कंटेंट होता है। तो उनका जो चैनल था वो वापस आ चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जानते होंगे कुछ टाइम पहले यानी कि पाकिस्तान में, तो यानी कि मैं खास से इंडिया में, बांग्लादेश में भी ये यानी कि YouTube की जो मसला आ रहा था, यानी कि YouTube यानी कि बैन हो गई थी, यानी कि बंद हो गई थी, उसकी यानी कि यही मसला था। इस तरह चैनल में भी यानी कि आपको पता है कि एक टाइम पे हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों लोग YouTube यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह यानी कि YouTube वाले से कई तरह से कुछ यानी कि टर्मिनेशन आ जाता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से कुछ ना कोई चैनल यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि वो कुछ टाइम बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो आप में से कई लोग ऐसे सोचते हैं यानी कि वो चैनल ब्लॉक हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल गुरु चैनल पर कुछ टाइम के लिए टर्मिनेट हो गया था, लेकिन अब वो वापस आ चुका है, अब वो अगेन वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बस यही वजह थी, और कोई वजह नहीं थी, बस यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम की वजह से यानी कि चैनल टर्मिनेट हो जाता है। अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक है यानी कि आपके चैनल सस्पेंड कर दिया गया है, वो तो फिर वापस दो या तीन महीने के बाद ही आएगा। अगर आपका चैनल यानी कि टर्मिनेट हो जाता है यूट्यूब तरह से उनकी गलती वजह से, तो वो आपका चैनल दो या तीन दिन के बाद आपके पास वापस आ जाता है। यही वजह होती है, और कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है तो आप ये ना परेशान हो कि भाई हमारा चैनल वापस नहीं आएगा, वो दो या तीन दिन के बाद वापस आ जाता है, ठीक है ना। दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई को ये वीडियो कैमरे के सामने यानी कि फेस यानी कि शूट करनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता चलूँ कि मेरे पास ऐसा कोई सेल फ़ोन नहीं है जिसका कैमरा अच्छा हो। तो ये सेल फ़ोन मेरा है, लेकिन इसका कैमरा अच्छा है, लेकिन फिलहाल उस तरह का टाइप करें जैसे कि वीडियो शूट हो सके। बस कुछ टाइप बाय इंशाल्लाह DSLR बाय करूँगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उससे वीडियो आया करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कर जरूर करें।